हेलो एवरीवन, चलिए आज हम बनाते हैं ग्वारफली की सब्ज़ी। सबसे पहले हम कढ़ाई ले लेंगे। कढ़ाई में 3 से 4 चम्मच तेल ऐड करेंगे। तेल को गर्म होने देंगे। उसके बाद उसके अंदर जीरा ऐड करेंगे। फिर इसमें हम लहसुन ऐड करके उसको भुनेंगे। फिर कटी हुई हरी मिर्ची और कड़ी पत्ता ऐड करेंगे। उसको अच्छे से फ्राई होने देंगे। फिर हम उसके अंदर ग्वारफली, जिसको मैंने काट कर अच्छे से धो लिया है, उसको ऐड करेंगे। 3 से 4 मिनट तक उसको फ्राई होने देंगे। ये देखिए, ग्वारफली का कलर चेंज हो गया है। इसको ढककर पकाएंगे 5 मिनट तक। फिर उसके अंदर हम एक कटा हुआ टमाटर ऐड करेंगे। स्वाद अनुसार नमक। और फिर 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। हल्दी का पाउडर और धनिया पाउडर डालकर उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले उसके अंदर मिल जाएं, उस तरह से मिक्स करके उसको कुक करेंगे ढक्कन देके 5 मिनट के लिए। और फिर उसमें से तेल छूटता हुआ दिखाई दे रहा है। अब उसमें काली मिर्च कुटी हुई ऐड की है। इसको 7 से 8 मिनट तक पकाएंगे, ढककर पकाएंगे। और बीच बीच में हम उसको चेक करते रहेंगे कि हमारी फली कच्ची तो नहीं रही। और जब तक वो पूरी अच्छे से पक ना जाए, तब तक उसको पकाएंगे। हमने ये बिना पानी डालकर पकाई है, तो थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, पर ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। आप भी इस रेसिपी को घर पे ट्राई करिए। तो ये देखिए, हमारी सब्ज़ी बनकर रेडी हो चुकी है। इसको हम सर्व कर लेंगे। इसको हम रोटी, चावल, पराठा सबके साथ खा सकते हैं। ये एक बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी होती है। तो होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको आपको ग्वारफली की सब्ज़ी कैसी पसंद है। और हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको